जय माता जी, नमस्कार। आज मैं घर के बारे में थोड़ा बातचीत करने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई भी घर बनाता है, गरीब आदमी, पैसा वाला कोई भी हो, तो कोई करोड़ों का घर बनाता है, कोई 5 लाख का बनाता है, कोई 10 लाख का भी बनाता है, कोई 50 लाख का बनाता है, कोई 25 लाख का बनाता है। जैसे जैसे सुविधा है तो वैसे लोग बनाते हैं घर। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी है सबको। आज तक महावास्तु के अंदर किसी ने ये नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को स्टॉप करने के लिए नहीं बोला है, मगर मैं आज ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये गलतियाँ, अगर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गलतियाँ मत करो प्लीज़। उसके वजह से नुकसान घर के मालिक को बहुत होता है। तो आज ये जो वीडियो है ना, पूरी देखना जरूरी है सबके लिए। मैं मेरे लिए आज ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा हर टाइम पे कहना है कि मेरे लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता है, मैं पब्लिक के लिए बनाता है। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्लैक कलर का ग्रेनाइट जो यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो स्टॉप कीजिए प्लीज़। ब्लैक कलर का जो ग्रेनामाइट है वो किचन में भी यूज़ कर देते हैं। तो ब्लैक कलर का जो ग्रेनामाइट है, एक्चुअली किचन के ऊपर तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कई जगह पे मैं वास्तु करने गया तो घरों में यही दिखता है, ब्लैक कलर का ग्रेनामाइट। पहले तो ग्रेनामाइट नहीं होना चाहिए, बात ये है। और दूसरी बात कि जो घर बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होता है कि कोई कोना नहीं काटना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं भी पता है कोई कोना बढ़ना नहीं चाहिए, तो स्क्वायर या राइट एंगल रखो। उससे क्या है कि मकान मालिक को तकलीफ कभी लाइफ में नहीं आएगी। नहीं तो ये कॉर्नर कटा या कॉर्नर बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम आएगी वो मालिक को जो घर में रहेगा। और रही बात ये है कि किचन किचन के अंदर ब्लैक कलर का ग्रेनामाइट यूज ही नहीं करना है। आप नॉर्थ के अंदर करते हो ठीक है, बट उसके नीचे बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर टू फायर दोनों का मेल नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अग्नि कोने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लैक ग्रेनामाइट अग्नि कोने में अगर आप लगा देते हो तो अग्नि कोने की दिशाएं कौन सी है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक कलर आ गया तो आपकी पेमेंट है ब्लॉक होएगी, यानी कि आपने किसी को पैसा दिया तो पैसा वापस जल्दी वो नहीं देगा, देगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि साउथ साउथ ईस्ट में पावर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तीसरा, अगर साउथ में है तो फेम या नाम नहीं रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा प्रॉब्लम आता है। ब्लैक कलर का ग्रेनामाइट यूज ही नहीं करना है। उस दिशा में जो कलर का आपको मार्बल यूज करना है, ग्रीन करो, रेड करो, बराबर, मगर ग्रेनामाइट नहीं, मार्बल यूज करना है। चूल्हे के नीचे ग्रेनामाइट पत्थर यूज करना ही नहीं है। ये अगर ग्रेनामाइट पत्थर आपने डाला तो वो भी वास्तु दोष है। और कॉन्ट्रैक्टर जब घर बनाता है तो हर घर में ब्लैक ग्रेनामाइट डालता है। तो ये प्लीज़, कॉन्ट्रैक्टर को मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये स्टॉप कीजिए, क्योंकि इसमें मालिक को नुकसान है। ये वाटर एलिमेंट है तो वाटर और फायर का बनता नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ।
आज के बाद ये आप स्टॉप करवाइए। पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई घर बना रहा है और कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि चलो हम लोग ये घर बनाया है तो हम लोग देखने के लिए जाए, तो ये देखा देखी के अंदर, यानी कि इसने ऐसा बनाया है तो हमको भी ऐसा बनाना है, छोड़ दो। देखा देखी में आज पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है, घर के मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये स्टॉप कीजिए। ब्लैक कलर का कोई भी पत्थर घर के अंदर मत यूज करो प्लीज, क्योंकि कोई मेन डोर पे भी यूज कर देता है, और वो भी अग्नि कोने में, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में लगा देता है, तो वो मैरिज का भी प्रॉब्लम देगा, किचन में आएगा तो भी मैरिज का प्रॉब्लम देगा। और कार पार्किंग कर देते हो अग्नि कोने में, और कार पार्किंग डाउन कर देते हो, तो एक्सीडेंट केस बनता है। अच्छे भले लोग इस झपेट में आ जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, और इसमें मैं देखा है कि कई को कुछ ज्यादा भी नुकसान हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट लेवल है, तो ये एक लेवल होना चाहिए, फर्स्ट लेवल कार पार्किंग करते हो तो लेवल में बनाओ, आपका जो घर है वो सेम लेवल में होना चाहिए, कोई जगह पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं रमेश पटेल, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं दुनिया के अंदर, तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर आज से अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप फॉलो कीजिए कि कोई घर के कॉर्नर कटे नहीं, कोई बढ़े नहीं, और ब्रेक ग्रेनामाइट यूज ना करें। ओके, तो नमस्कार, आगे के वीडियो में हम दिशाओं के बारे में चर्चा करनी है, तो उसके गुणधर्म, दिशाओं के 16 दिशाओं के गुणधर्म अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, जय माता जी।